गंगा पूरब, ए पूरब, ए जे देखो, जब हमारा नया घर होगा ना तो हम भी अपने गुसलखाने में लेट कर नहाने वाली बाल्टी लगाएंगे। देखो तो सही कितनी सुंदर है। बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, जब पैसे होंगे तब बात करेंगे। होंगे ना। छोड़ो, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि सामान बांध लो। क्यों? देखो, धीरज और पायल अपने हनीमून के लिए नौलाना जा रहे हैं, सीमा भी उनके साथ जा रही है। मैं सोच रहा था कि ये लोग इस तरह पहली बार घर से जा रहे हैं, हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, और अच्छा ना, हमारा भी मन बहल जाएगा। ज्यादा मन बहलाने की जरूरत नहीं, कपाड़ी आने वाला पैसे लेकर। तो अरे तुम्हारे कुछ अकल वकल है कि नहीं? जब कपाड़िया पैसे लेकर आएगा और हम लोग यहाँ पर नहीं होंगे तो सारी रकम मोहन के हत्ते लग जाएगी, और अगर हम लोग यहाँ पर होंगे तो किसी तरह बहला फुसला के बाबूजी से कुछ तो रकम ऐंठ लेंगे। फ्लैट लेना है कि नहीं? मैं यहाँ बैठी चीजें देख रही हूँ, पर्दा देख रही हूँ, सोफा देख रही हूँ, और तुम्हें लोना होना जाके भजन करने, फिर घंटी बजाते रह जाना जब लौट कर आओगे। अरे तो कौन सा वचन दे दिया है, खुद ही मना कर देना। कह देना गंगा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। सुनो, वो लोग समझदार है, अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। तुम अपनी फिक्र करो, अपनी फैमिली की फिक्र करो। अब गुमसान क्यों बैठ गए, जाके मना करो ना, जल्दी आओ फिर आप पर्दे दिखा दो।